प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मरीजों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीज अधिक सामने आ रहे हैं। ऐसे में मरीजों की कोरोना से जान बचाने के लिए प्रदेश के डॉक्टर नई नई थेरेपी काम में ले रहे हैं। इसी में कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी के जरिए राजधानी जयपुर के डॉक्टरों ने 4 साल से फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे मरीज की जान बचाई है। दरअसल कोरोना का सबसे अधिक प्रभाव फेफड़ों पर होता है। ऐसे में फेफड़ों के कैंसर के मरीज में कोरोना संक्रमण होने के बाद बचाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन डॉक्टरों ने कॉम्बिनेशन ड्रग थेरेपी के जरिए मरीज को स्वस्थ किया है, जिसको लेकर राजधानी के निजी हॉस्पिटल के डॉक्टर सुधीर व्यास ने बताया कि कोरोना की कोई स्पेशल दवा नहीं होने पर मरीजों को उनकी इम्यूनिटी और अन्य दवाइयों के जरिए ठीक किया जाता है। पेशेंट्स किसी भी कंडीशन के हों, उन्हें डरने की जरूरत नहीं है, ना अस्पतालों को डरना चाहिए। पेशेंट मैनेज किए जा सकते हैं। अग्रेसिव मैनेजमेंट के साथ में पेशेंट का रिकवर होना गारंटेड भले ही नहीं हो, लेकिन उसके लिए चांसेस 100% बढ़ जाते हैं। पेशेंट को मेंटल सपोर्ट भी आपको देना है, मेडिसिन सपोर्ट के साथ साथ। हमारे यहाँ डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर आर के उपाध्याय जी, जो सीकर से आए हैं, लंग कैंसर के नोन केस थे और उसके बाद में कोरोना से ग्रसित हुए, संक्रमित हुए मरीजों में से ही कोई प्रसाद दिया होगा। लेकिन 60-80% लंग इन्वॉल्वमेंट उनका था, सीटी स्कोर वाज 20 out of 25, 80-90% लंग इन्वॉल्वमेंट थी उनकी कोरोना संक्रमण में, टिश्यू डैमेज थे। आज 12 से 14 दिन के अंदर अंदर डॉक्टर साहब को नेगेटिव हुए करीब।